अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम बाइक के जंग को रिमूव करने का आपको तरीका बताएंगे और केमिकल बनाने का तरीका बताएंगे कि आप केमिकल किस तरह बना के जंग रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको केमिकल बनाने का तरीका नहीं बताया था, तो आज हम केमिकल भी बनाएंगे और साथ इस बाइक के रिम का जंग रिमूव करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऊपर कितना ज़्यादा जंग है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से मैंने इसको साफ़ किया हुआ है इतना, तो बाकी का भी हम इसको साफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम वो केमिकल बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो केमिकल किस तरह बनता है। तो दोस्तों आपने इस तरह का कोई बर्तन लेना है, बर्तन लेके उसके अंदर आपने ये सबसे पहले दोस्तों ये लेमन मैक्स साबुन है, इसको हमने गीला किया हुआ है, गीला करके हमने इसको यहाँ पर इसमें रख देना है। इसका हम इस तरह इसको ब्रीक ब्रीक कर लेंगे दोस्तों, किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें इतनी रेत जो होती है नहर से जो निकलती है ये आपने डाल देनी है, ठीक है दोस्तों इसको डालेंगे। उसके बाद एक काम और करना है, आपने जो इंजन ऑयल होता है ठीक है दोस्तों ये आपने डालना है इसमें। दोस्तों इतना आपने इंजन ऑयल इसमें डाल देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा केमिकल जो है वो तैयार हो चुका है। अभी हम इसका आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है दोस्तों। इस केमिकल इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। ये दोस्तों ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, सॉरी गाढ़ा हो जाए कोई मसला नहीं लेकिन पतला नहीं होना चाहिए। ये इस तरह का आपने बना लेना है दोस्तों। अब आपने करना क्या है, ये जो केमिकल है इसको आप हम साइड पे करते हैं थोड़ा सा। अब बाइक के जिस जगह पे रस्ट लगी हुई है दोस्तों वहाँ पे आपने इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं ये देखें दोस्तों, आप कपड़े के साथ भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश से भी आप सफाई कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, आप ये यूज़ कर सकते हैं। कपड़े के साथ दोस्तों ज़्यादा रिज़ल्ट आएगा क्योंकि उसके साथ इतनी रगड़ाई नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जंग बिल्कुल ही रिमूव हो गया और बिल्कुल इसकी शाइनिंग वापस आ गई है। अब दोस्तों हमने इसका बारी बारी सारे रिम का जंग जो है वो रिमूव करना है। दोस्तों ये किसी भी चीज़ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बिल्कुल न्यू बना देता है और इसका जंग बिल्कुल रिमूव कर देता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रिज़ल्ट इस वक्त आपके सामने है। यहाँ पे इस साइड पे आप देखें, इस साइड पे देखें, अभी हम दूसरी साइड को भी दोस्तों जंग रिमूव करते हैं, उसको भी बिल्कुल इस तरह न्यू बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे रिम का जंग हमने रिमूव कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम दूसरी साइड का जंग रिमूव करते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम दूसरी साइड चलते हैं। जी तो दोस्तों हम दूसरी साइड पे आ चुके हैं और हम अभी इस साइड का जंग जो है वो रिमूव करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इसको केमिकल को इसके ऊपर लगाएंगे जो भी हमने चीज़ बनाई है, उसके बाद हम इसको कपड़े की मदद से रगड़ेंगे।
जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं रिम हमारा बिल्कुल ही दोस्तों साफ़ हो गया है, लेकिन ये है कि जो ये स्पोक्स के दरमियान वाली जगह है यहाँ पे भी रस्ट लगी हुई है, तो ये भी हमने रिमूव करनी है इस तरीके से। जी तो दोस्तों रस्ट तो हमने रिमूव कर लिया, अभी हम बारी है इसको साफ़ करने की, तो इसको साफ़ करके हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या मिला है हमें। दोस्तों ये 100% रियल ट्रिक है, आप ये अप्लाई खुद भी करके मुझे बताएं कि ये वाकई ये काम कर रही है। मैंने तो दोस्तों इसका जंग बहुत सी बाइक से इसके जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही न्यू हो गया है, इसके ऊपर किसी किस्म का निशान नहीं है। आयल हमने इसीलिए डाला था कि इसके ऊपर कोई निशान वगैरह ना पड़े, तो ये बिल्कुल ही 0 मीटर हो गया है दोस्तों। तो अगर आप भी इस तरह का रिम न्यू करना चाहते हैं तो आप भी ये नुस्खा आजमा सकते हैं जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, और आप इसकी पहले वाली हालत देखें और ये वाली हालत देखें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।